एक ट्रेपीजियम का देखिए नया कंसेप्ट है ये। अगर समलंब चतुर्भुज है, देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज में कहता है कि ये ए डी एक्स का जो एरिया है और ए सी एक्स का जो एरिया है ये बराबर होगा। मतलब देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया क्लियर है, ये एरिया इस त्रिभुज का, और फिर ए सी एक्स मतलब ये त्रिभुज का, देखिए ये त्रिभुज का ये एरिया बराबर होगा। तो कहने का मतलब, अगर हम समलंब, इसको फिर से समझिए, जैसे अगर हम कोई समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम ऐसे हम एक बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये पैरेलल लाइन है, ऐसे समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तो और इसका एक ये देखिए ये डायगोनल है, तो कहता है अगर इस डायगोनल के पैरेलल अगर एक कोई भी रेखा किसी भी दो बिंदु से हमने मिला करके ये खींचा, इसके पैरेलल अगर ये खींचा, तो कहता है इस बिंदु से, जिस बिंदु से हमने रेखा खींचा एक्स से, तो ये त्रिभुज बनाएगा, ये त्रिभुज बनाएगा है ना, और इस बिंदु से जो ये त्रिभुज बनाएगा, तो देखिए ये त्रिभुज बन गया। अब देखिए अब क्लियर है, ये त्रिभुज देखिए, और फिर ये त्रिभुज, इसका जो एरिया होगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस बिंदु से ये जो त्रिभुज बनेगा इसका जो एरिया होगा, ये एरिया देखिए कहते हैं बराबर होगा। तो क्लियर है, इसको हमें याद रखना है, और क्यों होता है बराबर इस पर थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो नहीं जानेंगे तो फिर हमें इसको याद नहीं रख पाएंगे। बेसिक क्या चीज़ है वो समझ लीजिए, देखिए किसी भी दो पैरेलल अगर लाइन है, दो पैरेलल किसी भी लाइन है, तो अगर बेस समान हो, बेस समान हो, देखिए बेस समान हो, तो ये त्रिभुज की का जो क्षेत्रफल होगा समान होगा, बेस समान है। अब हमने इस पॉइंट से त्रिभुज बना दिया, देखिए यहाँ से बना दिया, तो ये जो त्रिभुज बना इसका और ये जो त्रिभुज बना इसका, दोनों का एरिया समान होगा, क्योंकि दोनों की देखिए ऊंचाई समान है, और दोनों का जो बेस है, सॉरी बेस हमने इसमें ज़्यादा ले लिया, ये जो बेस है इसी बेस पे बनाना है, इस बेस पे ये बनाना, अब इसी ऐसे इस बेस पे, हाँ बेस हमने उधर ज़्यादा ले लिया था गलती से, इसी बेस पे ये त्रिभुज भी बन गया देखिए, और इसी बेस पे ये त्रिभुज भी बन गया, और इसी बेस पे मान लो ये त्रिभुज भी बन गया, तो ये तीनों त्रिभुज का एरिया समान होगा, क्योंकि देखिए ऊंचाई तो समान है, समानांतर रेखाओं के बीच है तो ऊंचाई समान होगी और आधार समान है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है, यही होता है। तो इसका मतलब है बेस जब समान हो गया और हाइट समान है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन ले लें उसका बराबर ही होगा। क्लियर है, ये मूल चीज़ को समझ लें, मूल कंसेप्ट को समझ लें तो आगे समझना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमने पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो अगर हमने यहाँ से यहाँ तक एक बेस लिया और इस पे हमने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज ठीक है, और इसी बेस पे हमने दूसरा त्रिभुज बना दिया, तो दोनों का एरिया समान होगा। क्यों समान होगा, क्लियर है, क्योंकि बेस एक ही है और चूँकि दो समांतर रेखाओं के बीच है तो ऊंचाई भी समान ही होगी। तो इसी कंसेप्ट पे देखिए ये समलंब चतुर्भुज में जो हमने अभी आपको बताया, इसी कंसेप्ट पे ये बना है, क्योंकि देखिए अगर हमने इसको फ्रेश एंगल से समझिए, यहाँ पे देखिए इसको फ्रेश से समझिए, ये समलंब चतुर्भुज है ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है, जिसका देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ से हमने एक ये लाइन खींची और यहाँ से देखिए ये लाइन खींची, ये हमने विकर्ण बना दिया, और विकर्ण के समानांतर एक लाइन ले लिया, तो चूंकि अब यहाँ से देखिए ये जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज देखिए ये बेस है, ये देखिए ये बेस हो गया देखिए, और इस बिंदु से हमने इस पे कोई त्रिभुज बनाया ठीक है,
तो ये जो एरिया होगा, और इस बिंदु से हमने एक ये ले लिया, ये एरिया देखिए समान होगा ना बिल्कुल, क्योंकि ये तो देखिए पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। अब बेस तो समान है, अब बेस समान से अगर इस त्रिभुज का हमने देखा जाए जो एरिया होगा, वही एरिया तो इस त्रिभुज का भी होगा, होगा ना, क्योंकि बेस समान है और पैरेलल लाइन के बीच ही दोनों त्रिभुज है। तो इसका मतलब है कि ए सी एक्स, देखे ए सी और एक्स, ए सी एक्स का जो एरिया होगा वो ए, इसको वाई मान लेते हैं, तो ए वाई सी का एरिया होगा, ए सी एक्स और ए सी वाई दोनों का एरिया समान होगा। यहाँ तो ये क्लियर हो गया, दोनों समान है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ए सी एक्स बराबर ए सी वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहता है ए डी एक्स का, हमने कहा था ना कि ए डी एक्स और ए सी एक्स बराबर होगा, अब इस बेस से मान के चले, देखिए ये अब ये रेखा समानांतर है, ये रेखा समानांतर है ना, तो इस बेस से अगर हम लेते हैं तो इस बेस हमने ले लिया ए एक्स, तो ए एक्स से हमने एक त्रिभुज बनाया ए एक्स डी, और ए एक्स से हमने ये त्रिभुज बनाया ए सी एक्स, तो बराबर हो जाएगा ना ए एक्स, देखिए ए एक्स डी बराबर हो जाएगा किसके, इसी बेस से हमने ये त्रिभुज बना दिया और दो समांतर रेखाओं के बीच बनाया, और ए सी एक्स, तो ए सी एक्स बराबर हो गया। इसको ध्यान से समझिए, बहुत आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ए एक्स सी बराबर होगा ना, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाएं हैं और दो समानांतर रेखाओं के बीच हम एक ही बेस से दो त्रिभुज बना रहे हैं, ए एक्स बेस ले रहे हैं आधार, ए एक्स से हमने ए सी ए एक्स डी बना दिया और ए एक्स सी बना दिया, ए सी एक्स बना दिया, तो ये बराबर हो गया ना। अब ये दो इक्वेशन आया, देखिए ये दो इक्वेशन बन गए ना, एक तो हमने इस बेस से बनाया था ए सी एक्स बराबर ए सी वाई, अब ए सी एक्स यहाँ भी है, ए सी एक्स यहाँ भी है, तो ए सी एक्स ए सी वाई के बराबर है, तो इसका मतलब है ए एक्स डी जो है वो ए सी एक्स के बराबर होगा। यह दो इक्वेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ तो हमें ए सी एक्स ए सी एक्स और ए एक्स डी हमने बनाया, ए एक्स डी हमने बनाया एक त्रिभुज, और ए सी बेस को लेकर के हमने ए एक्स सी बनाया, तो ए सी एक्स ए एक्स ए सी ए एक्स डी जो है ए सी एक्स के बराबर होगा। तो क्लियर है, तो इस कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि दो त्रिभुज, चार त्रिभुज जो है अलग अलग हमने देखा, वो चारों त्रिभुज बराबर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब ए एक्स डी ए सी एक्स के बराबर है तो ये ए सी वाई के भी तो बराबर होगा, क्योंकि ए सी एक्स खुद ए सी वाई के बराबर है, तो ये चारों त्रिभुज बराबर होंगे, है ना। कौन कौन से, देखिए एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, दो हो गया ना, और फिर एक ये त्रिभुज हो गया, तीन ये, और फिर एक ये त्रिभुज हो गया, तीन ही त्रिभुज है, कि ए सी एक्स तो दोनों एक ही त्रिभुज हो गया ना, और ए सी वाई और ए एक्स टी, तो ये तीनों एक दो और तीन, ये तीनों त्रिभुज आपस में इनका एरिया बराबर होगा। तो क्लियर है, इसको वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा तो आपका और भी बेसिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। ये समलंब चतुर्भुज का कुछ अलग कंसेप्ट था।